दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पे जो है बहुत अच्छी लेटेस्ट भर्ती की यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे जारी की गई है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारी पदों पर यहाँ पे निकाली गई है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। और इसके बाद भी आपके मन में किसी तरह की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कब से जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी गई है, तो जो भी कैंडिडेट अगर आप बीई बीटेक 4 ईयर्स में अगर आप 4 ईयर्स का कर रखेंगे, जो यहाँ पे पोजीशंस यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि आप यहाँ पे मैकेनिकल देख पा रहे हो कि जो अगर आप बीई बीटेक मैकेनिकल से कर रखे होंगे या फिर सिविल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर यहाँ पे इंटोमेशन इंजीनियरिंग ये सब में अगर आप जो है बीई बीटेक कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे जो है 120 यहाँ पे टोटल सीटें हैं। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 30 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे 25 सीटें हैं एंड इंटोमेशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे भी 25 सीटें हैं। तो टोटल जो है आपका यहाँ पे 200 सीटें यहाँ पे जो है निकाली गई है HPCL के द्वारा। तो और जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है फाइनल ईयर में भी अगर आप जो है या फिर फाइनल सेमेस्टर में अगर आप जो पढ़ रहे हैं तो वैसे कैंडिडेट भी जो है इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शंस की जो प्रोसेस आपको होने वाली है तो यहाँ पे जो है आपका शॉर्टलिस्ट एंड सिलेक्शंस की प्रोसेस यहाँ पे देख पा रही कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होने वाली है, इसके बाद आपका ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये तीनों माध्यम से जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शंस आपका होने वाली है। अंतिम में जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शंस लिए जाएंगे। अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होने वाली है इसमें आपका किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जनरल एप्टीट्यूड ये सब, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब आपका यहाँ पर जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं। यही सब सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप चाहें तो ये सब सब्जेक्ट से भी आप जो है अपना प्रिपरेशंस कर सकती हैं अगर आप इसका एग्ज़ाम को फेस करते हैं। ठीक है, नीचे मैं आपको यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होने वाली है इससे आपका 85% का आपको वेटेज यहाँ पर दिए जाएंगे एंड जो यहाँ पर ग्रुप टास्क होगा उससे आपका 5% का वेटेज यहाँ पर दिए जाएंगे एंड पर्सनल इंटरव्यू से आपको यहाँ पर 10% का वेटेज दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने वाली है, लास्ट में आपका फाइनल स्कोरिंग होगा एंड देन आपका यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको सिलेक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाते हैं उनको यहाँ पे E2 ग्रेड के अनुसार जो बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पर दी जाएगी, 50,000 आपको यहाँ पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पर दी जाएगी, लगभग जो है 15.17 लाख जो है CTC आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम भी आपको यहाँ पे जो है देना पड़ेगा। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको यहाँ पे रखी गई है, तो जो भी इंडिया के जो आपका यहाँ पे कैंडिडेट जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे इंडिया में जो इनके प्लांट है जो आपका यहाँ पर होगा उसी में जो है आपका यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर दे सकते हैं, आपको जॉब के जो पोस्टिंग होगी उसमें आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अगर आप अपर एज में आर्सेंस लेना चाहते हैं जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे जो है अपर एज में कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दी जाती है तो उसके तहत भी आप जो है अपर एज में आर्सेंस यहाँ पे ले सकते हैं। एप्लीकेशंस की जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे डिटेल्स में आपको यहाँ पर दी गई है, तो आप चाहें तो इसका यहाँ पर पूरे डिटेल्स में भी देख करके जो है आप इसके लिए बिना गलती के जो है आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ये जो आपका ओनली जो है ऑनलाइन मोड से ही जो इसका आप जो है एप्लीकेशन को आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहां से भी जाकर जो है इस फॉर्म को आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फी आपको यहां पे ली जा रही है, अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर किसी तरह की एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं ली जा रही है एंड जो लोग अगर आप UR OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फी आपको ली जा रही है जो कि नॉन रिफंडेबल आपको होने वाली है। टोटल आपको अमाउंट जो है आपका यहाँ पे 1,180 यहाँ पे ली जा रही है। इसके अलावा जो पेमेंट गेटवे चार्ज आपको यहाँ पे जो है 1,000 ले रहा है और जो GST मिला के जो है यहाँ पे 180 यहाँ पे ली जा रही है। तो जो टोटल आपको यहाँ पे जो है लगभग आपको 1,800 के करीब आपको यहाँ पर जो है
एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे ले जाएगी, जो कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन मोड पे जो है इसका आप पेमेंट यहाँ पे कर पाओगे। नीचे में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए गए थे। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं अगर आपके पास इनके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता होगा तो सबसे फर्स्ट इसका जो जनरल का इंस्ट्रक्शंस होगा आप इसको पूरी डिटेल से यहाँ पे पढ़ लें, उसके बाद ही जो है आप इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। इसमें आपको पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिना मिस्टेक किए हुए, तो उसको आप यहाँ से ध्यान में रख करके जो है इसको आप रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कीजिएगा।